बिना पाकिस्तान के बिना इस्लाम के बिना मुसलमान के रेफरेंस दिए आप हिंदू धर्म के बारे में बात ही नहीं कर सकते बोले गरीब को खाना खिलाना ज्यादा बड़ा धर्म है मैं धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं यहां थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा हिंदू राज्य होगा क्या सामने से कोई तर्क आने पे उसे सीधा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह देना या फिर केवल एक नजरिए से इतिहास को देखना क्या आप ऐसा करते हैं क्या सिलेक्टिवली आप देख रहे हैं इसीलिए हिंदू राष्ट्र की पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही मैं बहुत आ, मुझे मुझे आज अच्छा लगता है कि अगर मैं सोच रहा था कि आज पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा मैं सोच रहा था कि आज मुबला का जिक्र नहीं होगा इस्लाम का जिक्र नहीं होगा क्योंकि आज हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं लेकिन ये यही वो विचारधारा है कि बिना पाकिस्तान के बिना इस्लाम के बिना मुसलमान के रेफरेंस दिए आप हिंदू धर्म के बारे में बात ही नहीं कर सकते ये ये कौन सी ये कौन सी सोच है मैं आइए हिंदू धर्म के बारे में बात करते ना जो दयानंद सरस्वती ने भगवान राम के बारे में कहा कृष्ण के बारे में कहा उस पर भी चर्चा कर लेते या आप ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे इसी इसी बंगाल की धरती पे विवेकानंद जी ने जब स्वामी जब रामचंद्र परमन जी के पास गए और उन्होंने ईश्वर के बारे में बात की तो विवेकानंद जी ने क्या कहा मैं जब तक देख नहीं लेता तब तक मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं विवेकानंद के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है उन्होंने कहा कि अगर मैं ये ईश्वर की पूजा करनी वो करूं या फिर मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊं बोले गरीब को खाना खिलाना ज्यादा बड़ा धर्म है उन्होंने कहा क्या मैं मंदिर में जाके पूजा करूं या फुटबॉल खेलूं उन्होंने कहा फुटबॉल जाके खेलो आज कह दो तो एफ दर्ज हो जाएगा और आप जेल चले जाओ क्योंकि कहेंगे कि आप आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं मैं धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो धर्म का घालमेल कर रहे हैं कभी आप हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं कभी आप हिंदुत्व के बारे में बात करते मैं मुझे तो लग रहा था कि यहां बहुत अच्छे लोग हैं और मैं उनके बीच में बातचीत कर रहा हूं अगर हेकल करना है तो फिर मैं चला जाता हूं यहां से आपने अपनी no, बात no, no. बात रख दी है। देखिए सबको सर प्लीज बारे अगर बारे आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते रख दी ना कि अपना मत लाइए अगर आप अगर आप लोग मुझे बोलने देना नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ आई नो आई नो वेरी वेल मुझे सिर्फ इस बारे में बातचीत है कि जब आप हिंदुत्व की बात करते करते आप अठारह में जाकर रुक जाते हैं तो ये आपकी सीमा है आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए जो सनातन है जो ऋग्वेद ऋग्वेद के पहले है जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है आप हिंदू धर्म के बारे में बात करते करते हिंदुत्व को लाके बीच में घाल मिल पैदा कर देते हैं तब दिक्कत पैदा होती है मैं तो कह रहा हूं और आप आप पाकिस्तान के बारे में बात करते आप लाला लाजपत राय को पढ़ लीजिए उन्होंने 1923 में क्या लिखा था कि इस देश के कितने टुकड़े होंगे ये तो मैंने नहीं कहा तो लाला लाजपत राय ने कहा जो हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले लोग थे तो प्रश्न एक बात है पहली बात हिंदू धर्म ये जो हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात जो है ये बहुत ही कंफ्यूज आइडियोलॉजी है मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं जब मैं दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ता हूं वो कहते हैं कि यहां थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा हिंदू राज्य होगा हिंदू राज का मतलब क्या होगा जहां लोगों की सारो, सारो, सावरेंटी नहीं होगी जहां संविधान की सावरंटी नहीं होगी सब कुछ उस धर्म के हिसाब से चलेगा तो धर्म क्या है फिर ये कौन तय करेगा क्या हम ईरान के रास्ते में चलेंगे जहां पर एक कमेटी बनी होगी जो कहेगी कि इस सरियत के हिसाब से आपने नहीं काम किया इसलिए यह धर्म विरुद्ध है मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए धर्म मेरा है धर्म मेरे मन के अंतर्मन की यात्रा है धर्म जो है ये एक इंटरनल जर्नी है इस धर्म में शंकराचार्य भी हैं इस धर्म में जो अनिर्वचनीय की बात करते हैं जो स्थित प्रज्ञता की बात करते हैं जो निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं और इसमें रामानंद भी है और इसमें रामचरित मानस भी है जब आप रामचरित मानस शब्द का प्रयोग करते हैं तो रामचरित मानस का मतलब क्या हुआ हमारे यहां बार बार कहा जाता है शयो वैष्णव के बीच बहुत झगड़ा हुआ रामचरित मानस पा, मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि मुझे राम के चरित्र के बारे में बताइए तब भगवान शिव ने क्या कहा भगवान शिव ने कहा हे हे देवी पार्वती तुमने तो आज मनुष्यों के कल्याण की बात कर दी इससे बड़ा परोपकार नहीं हो सकता क्योंकि जो राम का चरित्र मेरे मानस में था आज तुमने मुझे, मुझे मौका दिया मैं पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड के बारे में उसकी बातचीत करूं